देखिए किरत का जो सालगिरह का तोहफा है वो आ चुका है। ओके, कैन यू मेक अ गेस व्हाट्स इनसाइड? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो इस साल किरत की सालगिरह की ये जो दावत रखी, ये किरत की ख्वाहिश थी कि भाई मेरी जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ मैंने करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैंने जो केक हैं वो बेक करके फ्रीज़ कर दिए थे। कट गई घास। फिर यहाँ पे फराज जो हैं वो घास काट रहे हैं, गार्डन को ज़रा सेट कर रहे हैं, बैकयार्ड को। तो हमने यही सोचा था कि बहुत अच्छा रहेगा बैकयार्ड में एक पेंटिंग स्टेशन पूरा मैंने सेटअप किया, अभी सब आपको दिखाती हूँ। ये झूला रख दिया और कुछ एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए ना, लेकिन जैसा सोचा वैसा हो नहीं सका। वो इसलिए, ये तो अभी मैं आपको फ्रेश दिखा रही हूँ बारिश, लेकिन जिस दिन एक्चुअल सालगिरह थी उस दिन भी इतनी तूफ़ानी बारिश, वो भी आप लोग देखिएगा। तो फिर बैकयार्ड में कोई चीज़ हो नहीं सकी। ये देखिए, हमने ये कर्टन जो है रेडी कर लिया है। पीछे से जाके दिखाऊं? हटे, अरे मूव, देयर इज अ लॉट टू डू। ये देखें, तो ये आप 3 कर्टन्स खरीदें, ये देखें डॉलर ट्री से, ये प्लास्टिक टेबल कवर, इस तरह से आपका बैकड्रॉप बन जाएगा। कूल आइडिया है ना किरण? अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें मैंने बनाई है ना, उन सब की रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम है हुमायंदा किचन। चॉकलेट केक, वनीला केक, इसकी रेसिपी भी वहीं पर मौजूद है। अच्छा, केक बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे पूरा ग्लैड रैप लगा के। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ बटर क्रीम, और इसे भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। देखिए किरत का जो सालगिरह का तोहफ़ा है वो आ चुका है, और क्या है तोहफ़ा वो तो फिर आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से चाहे आपका आईफोन हो, लैपटॉप हो, महंगी से महंगी चीज़ जो है वो इस तरह से दरवाजे पे देखिए रख के चले जाते हैं। अच्छा, अब ये सालगिरह से एक दिन पहले की चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसमें मैंने फिर केक भी असेंबल किया बर्थडे से एक दिन पहले, और ये क्रीम पफ्स जो हैं, इसकी ये जो कोन है ना, ये मैंने बेक कर ली। फिलिंग फिर जिस दिन सालगिरह थी तभी की, वो अभी आप आगे देख लेंगे। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने नहीं सिखाई तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर देख लें, केक की असेंबली चल रही है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, सारे तो मैं बताने से रही। तो तकरीबन मुझे 5 से 6 घंटे लगे सिर्फ इस केक को रेडी करने में, क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं, केक की फिलिंग्स भी बनानी थी, इसको फ्रॉस्ट भी करना था, फिर डेकोरेट भी करना था, ये सारी चीज़ें। फिलिंग मैंने 2 तरह की, एक चॉकलेट की, बीच में मैंने हेज़लनट चॉकलेट भी ऐड की तोड़ के, तो और एक क्रीम वाली फिलिंग ऐड की, चॉकलेट क्रीम वाली फिलिंग ऐड की। फिर ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग से मैंने पूरे केक को कवर किया, पहले एक कोट लगाया, फिर सेकंड कोट लगाया, और बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग में पिंक कलर ऐड करके थोड़ा सा ये मैंने शेड ऐड किया। फिर मैंने पर्ल्स ऐड किए हैं, और ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था बर्थडे का, ये पूरा पैकेट केक टॉपर्स कहलाते हैं। और सालगिरह से एक दिन पहले ही जो है वो ये बलून आर्च बनाई, सबने गुब्बारे फुलाए, लेकिन इसको सारा असेंबल मैंने खुद किया। और मार्केट से इसका रेट चेक किया तो वो था $300 से $400, और फिर ये कि मैंने खुद बना ली। तो फाइनली तकरीबन 5-6 घंटों की मेहनत के बाद ये बैकड्रॉप कह लें, स्टेज कह लें, जो भी कह लें, वो तैयार हो चुका है। ये रही बलून की आर्च, ठीक है, जो कि खुद बनाई है पूरी, और नॉट बैड एक्चुअली, ये देखें। और ये रहा सिंपल सा टेबल का सेटअप, और किरत के कहने पे पूरी थीम जो है वो पिंक और गोल्ड की रखी, तो फिर उसी हिसाब से सारे बलून्स आए। ये तो आपको मैंने बताया ना कि ये मैंने टेबल कवर यूज़ किया फ्रॉम डॉलर स्टोर, और यहाँ पे इंशाल्लाह केक आएगा,
थोड़ी सी कैंडल्स ऐड कर दी हैं, और अगर याद रहा सुबह तो हीलियम बलून्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से अब मैं आपको दिखाऊँ, फ्रेंड्स दिखाती हूँ ऐसे, ये देखें। अच्छा, ये बन रहा है रशियन सैलड। आपको पता है कि मेरे घर पे दावत हो तो रशियन सैलड इज़ अ मस्ट, तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। तो ये रहे इसके सारे लवाजमात, पाइन एप्पल, एप्पल, कैरेट, पीस, कॉर्न एंड सम मैकरोनी, और ये क्रीम वाला मिक्सचर। अब ये सालगिरह वाला दिन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सुबह सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे, और सबसे पहले फिर मैंने फ्रेश रशियन सैलड जो है वो तैयार करके फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। हमने ईद वाले ही कपड़े पहने। इस ड्रेस का काफ़ी लोगों ने पूछा, अगर आपको डिटेल चाहिए तो पिछले वाला व्लॉग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बस यहाँ पर बाकी की सारी प्रिपरेशन चल रही है। खाना है कुछ इस बार जो है वो कैटरिंग की है, तो ये है हलीम, क्राइड भी है तो इस वजह से, और ये आ गई बिरयानी, ये है सैलड, और ये बाकी सब इधर जाएगा। अब खाना, ब्राउनीज, ये नान आ गए, और यहाँ पे बस अब जो क्रीम रोल्स हैं उसकी फिलिंग रह गई है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ सारा सेटअप, और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा भी है। मैं केक भी दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा चेक करें, और मैं बैकयार्ड भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो जेंट्स जो हैं वो यहाँ बैठेंगे, अगर बारिश हुई तो कोई नहीं, हमने अंदर भी सेटअप किया हुआ ही है। और यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए ना यहाँ ये टेबल के ऊपर कवर लगा दिया है, कि यहाँ पे ये देखें ये जगह काफ़ी बड़ी है, तो बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे दे कैन हैव फन। और ये देखें ये थोड़ा गिर गया है, ये भी हमने साइन यहाँ पे ऐसे हैप्पी बर्थडे की लगाई भी है। यहाँ पे ये सारे वो रखे हुए बच्चों के गुडी बैग्स, और ये आ गई पेपर प्लेट्स वगैरह, और ये रही किरण, माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे किरण, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, टेबल दिखाएं किरण का जल्दी से, और इसमें किरण का है गिफ्ट, ये रही अनाया। आर यू एक्साइटेड? पीपल आर गोना कम, और हम बहुत सब फन करेंगे, राइट? ये आ गया केक, वो 11 का लेटर वो। अब यहाँ पे बस सारी चीज़ें मैं गैदर ही कर रही हूँ, और ये फ्रेश फ्रेश इसके अंदर क्रीम जो है वो मैंने फिल कर दी है क्रीम पफ्स में, और बस अब इसके ऊपर जा रही है पाउडर्ड शुगर, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करूँगी पिस्ता। ये इतने मज़े के थे ना कि बस सब ने बहुत तारीफ़ की, और सब यही कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा घर के, ऐसे लग रहा है किसी बेकरी से आपने बाय किए हैं। खैर, केक भी घर बनाने की वजह ये थी कि किरत की ख्वाहिश थी, अदरवाइज़ घर के पास बहुत अच्छी हलाल बेकरी है, मैं वहाँ ऑर्डर दे सकती थी, लेकिन उसने ख्वाहिश की। तो फिर आपको पता है जब बच्चे ख्वाहिश करते हैं तो माँ जो है वो कहाँ डालती है। पूरा दिन बारिश नहीं थी, एग्जैक्ट सालगिरह के टाइम पर जो है ना तूफानी बारिश स्टार्ट हो गई, जो अभी आप लोगों ने देखी। बस ऐसी विशेज हैं आजकल। ओके, हैप्पी बर्थडे किरण, मे यू लिव अ हैप्पी हेल्दी लॉन्ग लाइफ, आमीन आमीन। ना आप खिला दे जल्दी से। या ओके, डू इट चले। शुक्रिया आप सबके आने का बहुत बहुत ज्यादा। चलो इसको भी ब्लॉक कर दे, उसको भी दे। चलो
तो माशाल्लाह हम लोग 16-17 लोग थे, बड़े बच्चे मिला के, और किरत के जो क्लास के बच्चे थे उनकी फैमिलीज भी इनवाइटेड थी, मतलब पूरी पूरी फैमिलीज इनवाइटेड थी। यहाँ पे खाना जो है वो मैंने पूरा लगा दिया है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो क्विकली बता देती हूँ। सबसे पहले केक, क्रीम पफ्स, ये मेरा चिकन का सालन और रशियन सैलड, ये सब मैंने खुद बनाया था, और बाकी कुछ कैटरिंग। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दावत का मेन्यू सेटअप कैसा लगा। और पिज़्ज़ा तो फिर आपको पता है मस्ट है, क्योंकि बच्चे हों दावत में तो फिर ये आई थिंक ज़रूर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सोचा बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छी जो है वो सालगिरह की दावत रही। बस यहाँ पे अब मैं केक जो है वो सर्व कर रही हूँ। व्हाट कलर इज दिस? रेनबो। रेनबो, ओके। आई एम सो गुड एट पेंटिंग। हाउ शी बेटर देन शी इज? शी इज वेरी क्रिएटिव। शी इज अ प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच हेल्प करने का, क्योंकि आपकी हेल्प के बगैर तो दावत पॉसिबल ही नहीं है। ये क्रेडिट देना चाहिए, पूरा क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। हाँ, है ना, इतनी होशियारी अच्छी नहीं लगती। तो बहुत शुक्रिया, बट द बेस्ट थिंग इज कि दावत बहुत अच्छी हो गई, है ना। अच्छी हो गई, सबको खाना भी बहुत अच्छा लगा। तो दावत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और अच्छा हो गया सब। अब ये कि जल्दी से गिफ्ट्स खोलते हैं, और अनाया जो है वो तो अपने कपड़े चेंज कर चुकी है। तो इन लोगों को शौक भी बहुत होता है ऐसे फैंसी कपड़े पहनने का, लेकिन फिर बेचैनी भी होने लग जाती है। खैर, कपड़े उसने चेंज कर लिए है, और अब ये कि हम गिफ्ट्स खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। और कुछ गिफ्ट जो है वो अनाया को भी मिले हैं, तो देखते हैं क्या मिला। ठीक है? यस यस। तो चले किरत, सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? So the first thing they gave me is a bag of Ferrero. ठीक है, next. And then the chocolate. मुझे नहीं दिख रहा किधर? दिखाएं. It's a pet purse. ये आपका एक पर्स आ गया। ठीक है, किसने दिया ये? दिखाएं तो. अंदर देखे क्या लिखा है? अंदर ये लिखा है, ये शॉप। नहीं, ये दिया किसने है? एक अनाया के लिए होगा। और ये खोले, इसमें देखते हैं क्या। और वो तहला दे, मैं इसमें देखूँ ना क्या है वो। नहीं, इस पे लिखा होगा उनका नाम। ये एमन लोगों ने दिया है। एमन का नाम। ठीक है, इसको खोलें जल्दी से। सी, लेट्स सी इसमें क्या है। ज्वेलरी। वाओ, ओह दिस वन इज फॉर मी। लुक, ये किरत के लिए ये। ओह शी पुट दिस प्रिटी ज्वेलरी। ओह माय गॉड, किरत शी पुट अ स्टिकर हियर। कैन आई बोरो? या यू कैन। कितनी प्रिटी है ये, अनाया भी पहन सकती है। डोंट बी सैड अनाया, अभी आपकी भी बर्थडे आने वाली है। जाली उसी। ओके, वेट, साथ साथ हम, अच्छा ये स्पेशल गिफ्ट आखिर में खुलेगा। ओके, अभी गिफ्ट अनाया। कचरे को नीचे नहीं रखे, इसको गार्बेज करना है भाई। ओके वेट, पहले सारे दिल लगा लेते हैं ना। ये एक फ्रेंड आई थी किरत की, तो उसने ज्वेलरी दिया है। ठीक है, इट्स वेरी प्रिटी। और पेन है। ठीक है, चलो। और इसमें हैट भी है। ओके, नेक्स्ट। ओके, आई थिंक इट्स समथिंग अबाउट ज्वेलरी। चलो दिखाएं। वाओ, द एक्चुअली करेक्ट, इट्स सो प्रिटी। किरत को तो बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी मिली है, दिखाएं। ये तो मैं भी पहन सकती हूं। कैन आई सी इट? जी जी, ऐसे लगा के दिखाएं किरत, दिखाएं। बहुत अच्छी ज्वेलरी है, दिखाएं गले में, जरा लगा के दिखाएं। लगाऊंगी नहीं, लेकिन मैं ऐसे दिखाऊंगी। ये देखें, ये तो मैं भी पहन सकती हूँ, राइट। चलो इसे वापस रख दें, नेक्स्ट। यस यस, अनाया भी। टू अनाया फ्रॉम सुमैया आंटी एंड किड्स। ओके,
so happy. Wow! देखो लोगों ने कितना सोच के बनाया के लिए भी ना कि वो फील ना करे. It's a poster. That's amazing. No, poster pages. Marker. Wow. I want to keep it. The box. चले ना, आपको कलरिंग ही पसंद है ना, बेस्ट गिफ्ट है ये. देख अच्छा इस पे क्या लिखा है. टू किरत फ्रॉम सुमैया आंटी एंड किड्स. सो प्रिटी, लुक एट द कलर्स. इसमें देखो किरत, इसमें ग्लिटरी कलर्स भी हैं. यू गेट टू पैलेट्स. और इसमें आपका पूरा ब्लश वगैरह भी है. और इसमें आपके पास ज्वेलरी भी है. क्या लाए? कैनवस आर्ट किट. ओके रखें. ये बहुत अच्छे फराज के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ से भी मेरी अच्छी सलाम दुआ. तो हमारे नेबर मतलब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो दावत थी इसमें सब किरत के स्कूल के फ्रेंड्स, जो इसकी क्लास के भी और जो हम सब फैमिलीज को जानते हैं, तो ये उन सबको हमने बुलाया था. और आपको पता है ब्लैक हम लोग का फेवरेट कलर है, राइट? ओके, कैन यू मेक अ गेस व्हाट्स इनसाइड? लेगो. लेगो? लेगो? यू गेस्ड इट राइट. उधर बात करे डैडी से, वो बैंक से बात करे बेटा. Can I see? Can I see? Are you happy now? Thank you, बोले डैडी को. Thank you so much. You're welcome. iPads are very expensive, but this is the best dad who got one for me. See, you have the best dad ever. You're welcome. चलो झूठ भी बोल रही है नाया. मैंने डेकोरेट किया नाया. Both of you. डोंट लाए, मस्के मत लगाओ डैडी को. आपको पता क्या कह रही है, ये पूरा आपने सजाया है सो दैट शी कैन गेट एन आईपैड. चले करें ओपन. किरत ओपन करना चाह रही है. इट्स ओके. ओके नाउ अभी तो इसमें मैं आ रही हूँ. सब्सक्राइब करें. और ये जितने लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं ना, ये बस अच्छी बात नहीं है. कनाडा. और ये क्या आ गया? तो ये था आज का ब्लॉग. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अब ये कि मैं मेहनत तो जाहिर है बहुत लगती है, लेकिन उसका ये जो सारा रिजल्ट आता है ना, उसको देख के बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के इंसान सब भूल जाता है कि इतनी एफर्ट जो इंसान जाहिर करता है, जाहिर थकन तो हो ही जाती है. तो ये कि चले. तो बाकी ये कि जो जो लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसको जल्दी जो है वो 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, ताकि यहाँ पे हमारी फैमिली की, यूट्यूब फैमिली की जो थर्ड अवार्ड है, शील्ड है, वो यहाँ पे लगे. ठीक है, तो इसको यहाँ पे थर्ड यूट्यूब का जो प्ले बटन है वो हासिल करने में आप लोग ने ही मेरी हेल्प करनी है ना किरण? मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें. यूज़र नेम है हुमैंदा किचन. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. मुझे दुआ में याद रखें. कैसे बोलती है मामी करें? What? मैं अपने वीडियो को अल्लाह हाफिज़ कैसे करती हूँ? से दैट.
I forgot. Kya kitab bataye? Allah Hafiz. See you in the next video.